दो बहन भाई थे। भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा था। रास्ते में एक सर्प बैठा था। सर्प बोला, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, तू मुझे मत डस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ, अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। तो सांप बोला, ना, तेरे 9 ग्रह की दशा लग रही है, मैं तो तुझे डसूंगा। लड़का बोला, अच्छी बात है, मैं अपनी बहन से मिलाऊं, आती बार डस लेना। सर्प बोला, क्या पता तू इस राह से आए या ना आए, मैं तो अभी डसूंगा। लड़का बोला, अच्छा तो तू मेरे थैले में बैठ जा। सर्प थैले में बैठ गया, ऊपर से बेलपत्ते ढक लिए। लड़का बहन के घर पहुंचा। बहन 9 ग्रहों की कहानी कहती थी। बहन भाई से बोली, भाई तू भी बैठ जा और 9 ग्रहों की कहानी सुन ले, बातें बाद में करेंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। बहन ने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, धी के जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, संग की, सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाइयो। बहन कहानी कहकर खड़ी हो गई। वह भाई से बोली, भाई थैले में क्या ले रखा है? लड़का बोला, बहन कुछ नहीं कुछ नहीं। मगर बहन ने जबरदस्ती थैला छीन लिया। जब उसने थैला खोला तो देखा कि भेल पत्ते के केले संतरे बन गए और सर्प का हार बन गया। केले संतरे बच्चों को खाने के लिए दे दिए और हार खुद पहन लिया। वह हार पहनकर आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, इतना महंगा हार कहाँ से लाई? बहन बोली, हाँ भाई, मैं तो तब भी गरीब थी और अब भी गरीब हूँ, तू ही तो मेरे लिए हार लाया है। भाई बोला, नहीं बहन, मैं तो तेरे लिए कोई हार नहीं लाया हूँ, मैं तो अपनी मौत का सामान लाया था। तेरी कहानी कहने से ये नाग का हार बन गया, ये तेरे भाग्य का ही है, तू ही रख। बहन भाई से बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रह की दशा लग रही थी, मेरी भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहा करे। लड़का घर गया और अपनी पत्नी से बोला, हमारे 9 ग्रह की दशा लग रही है, हम 9 ग्रहों की कहानी कहेंगे, तू कहेगी और मैं सुनूंगा, और जब मैं कहूंगा तो तू सुनना। चावल चीनी के दाने लिया, लोटा भर के पानी लिया। उसकी पत्नी चावल चीनी के दाने ले आई और लोटा भर के पानी ले आई और उन्होंने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जिठानी की, सासू की, ससुरे की, घर में धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भवरे सब आग में जल जाओ। आज वार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 8 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा बहन की उतारी, ऐसे सब की उतारना। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।